गाइस, कोरोना की फर्स्ट एंड सेकंड वेव ने कितने लोगों के घर को बर्बाद कर दिया है, कितने लोगों के घर से खुशियां चली गई हैं। और अभी डॉक्टर्स लोग जो है वो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव का आना भी तय है, यानी कि जो थर्ड वेव है कोरोना की वो ज़रूर आएगी। गाइस, आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेव जो आई थी, यानी कि 2020 में जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि ज़्यादातर जो ओल्ड एज वाले लोग थे उनको ये अपनी चपेट में ले रहा था। बट अभी आप देख रहे हैं कि सेकंड वेव में ये जो है, जो मतलब जवान लोग हैं उनको अपनी चपेट में ले रहा है, जो काफ़ी अच्छे खासे लोग हैं, हेल्दी भी हैं, लेकिन उनको भी अपनी चपेट में ले रहा है। बट डॉक्टर्स लोगों का कहना है कि अभी जो थर्ड वेव आने वाली है और कहीं कहीं पे इसका असर दिखाई भी दे रहा है कि ये अपनी थर्ड वेव में छोटे छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेने वाला है। तो गाइस, इससे बचने के लिए हम अपने बच्चों को कैसे घर में सुरक्षित रख सकते हैं, किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं? देखिए, फर्स्टली तो हमें अपने बच्चों की डाइट स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जिससे कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो और हमारा बच्चा थोड़ा हेल्दी हो, जिससे कि ये कोरोना का जो कहर है इससे हमारा बच्चा दूर रहे। सेकेंडली, हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अपने घर में बच्चे के आसपास हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखें। साथ ही साथ बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह ये प्रॉपर डाइट देते रहें। इससे क्या होगा कि बच्चे की बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग होगी और जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। गाइस, देखिए, एक तो ये वेदर भी ऐसा हो रहा है कि इस टाइम पे बच्चा जल्दी जल्दी सर्दी वगैरह ये होती रहती है, नॉर्मली होती रहती है। बट अभी ये जो सीजन है ना, ये कुछ ऐसा है कि इससे हमें बचना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी दिखती है तो अपने आप से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर में कर सकते हैं बच्चों को इससे बचाने के लिए, जैसे पर्सनल हाइजीन हो गया, बच्चों के खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया, और घर में ही बच्चों को ऐसा नहीं कि रखना है, उनके साथ खेलना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं।